नशा मुक्त समाज अभियान कौशल का कार्यक्रम का आयोजन संपन्न। जनपद सीतापुर के विकासखंड सिदौली के अंतर्गत ग्राम मनिकापुर में हमरा एक कैडेट एनसीसी सेवा संस्थान के तत्वाधान में नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत अभियान कौशल का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें सांसद कौशल किशोर मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई तथा इसके बाद युवाओं को नशे से होने वाले हानिकारियों के बारे में भी बताया गया एवं नशा मुक्त होने का संकल्प दिलवाया गया। इस अवसर पर अन्य सामाजिक संस्थाओं से जुड़े एवं कार्यरत कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। सांसद कौशल किशोर ने बताया कि नशा एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। युवा पीढ़ी देश का भविष्य होती है। यदि युवा पीढ़ी नशे में लिप्त हो जाएगी तो देश का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। अतः देश के युवाओं को नशे के खिलाफ सांसद जी के द्वारा चलाई गई मुहिम का हिस्सा बनकर नशे को अलविदा कहना चाहिए। इस अवसर पर सांसद जी ने कार्यकर्ताओं के साथ समस्त मीडिया कर्मियों का सम्मान किया एवं मीडिया को कोरोना योद्धा घोषित किया। उन्होंने यह भी बताया कि नशा मुक्त अभियान को आखिरी पड़ाव तक ले जाएंगे एवं जब तक देश नशा मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह स्वयं में काम करते रहेंगे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सांसद जी ने बताया कि समस्या केवल शराब आदि व्यवसाय सामग्रियां नहीं है, बल्कि नशे के खिलाफ युवाओं को समझाकर नशे को समाप्त करना ज्यादा बेहतर है। आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज टीवी। समाज अभियान कौशल का इसके तहत आप मीडिया के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का है, नई पीढ़ी के लोग जो नशा नहीं करते उनको नशे की तरफ जाने से रोकने का अभियान है। 12 साल से लेकर 30 साल के जो उम्र के बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां, जो नशे की तरफ जा सकते हैं उनको हम संकल्प करा रहे हैं। और जब वो संकल्प ले लेंगे और अपने साथ हर महीने एक लड़के को संकल्प कराएंगे तो एक व्यक्ति 2 साल तक के लगातार हर महीने संकल्प करेगा। और उनको मोटिवेट करने के लिए महीने में कम से कम 5 बार एक नशा मुक्त योद्धा उनसे बात करेगा। तो इस तरीके से उन नई पीढ़ी के लोगों को हम नशा करने से रोकने का काम करेंगे। हमारी अपील भी है कि नई पीढ़ी के जो लोग हैं, अधिकतर 31 दिसंबर जब नए वर्ष का आगाज होता है और पुराना वर्ष जाता है तो नए वर्ष के स्वागत में लोग मौज मस्ती में नशे का सेवन करते हैं। करीब 20% नई पीढ़ी के लोग उस दिन नए कस्टमर नशे के बन जाते हैं। इसी तरह होली में भी नए कस्टमर बनते हैं और वैलेंटाइन डे पर भी नए कस्टमर नशे के बनते हैं। हम लोग उनको रोकना चाहते हैं, इसलिए मेरी अपील है उन माँ बापों से कि अपने बच्चों को 31 दिसंबर के दिन अपने घरों से बाहर ना निकलने दें और घर से बाहर वो निकलें तो उनके साथ जरूर जाएं। नशा मुक्त नहीं बना सर, प्रदेश में हमारी सरकार है, ऐसे में जैसे बिहार में नशा मुक्त हो गया है, जैसे बिहार में शराब बंद कर दी गई, ऐसे यहाँ पे क्यों नहीं है? नहीं, बिहार नशा मुक्त नहीं हुआ है, शराब बंद कर दी गई है जी। तो हमारा आंदोलन शराब बंदी का नहीं है जी, हमारा आंदोलन नशा मुक्त का है। तो नशा केवल शराब से नहीं, लोग स्मैक पीते हैं, लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, लोग पान पुकार मसाला खाते हैं, लोग चरस पीते हैं, लोग गांजा पीते हैं और यहाँ तक के जो है लोग ब्रेड में जो है मक्खन की जगह ग्रीस और आयोडेक्स लगा करके खाते हैं, कोरेक्स पीते हैं, खांसी की दवा पी लेते हैं और तमाम नशीली टेबलेट खा लेते हैं। हमें नशे से रोकना है लोगों को और शराब की दुकानें बंद कर देने से कस्टमर नहीं रुकेंगे, लोग कच्ची शराब पीने लगेंगे, जहरीली शराब पीने लगेंगे। इसलिए हमको जागरूक करके नशा ना पीने वाले कस्टमर नहीं बनने देना है।